जब सपने देखेंगे हजार मुसीबतें आएंगी, एक दिन वो हसीन मंजर भी आएगा जब सफलता शोर मचाएगी। नमस्कार, आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो हम एक कोई भी वेक्टर लेकर के उसके कंपोनेंट में उसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, बस ध्यान इस बात का रखना है कि वेक्टर का एडिशन हो या रिजोल्यूशन, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ही होता है, उसी का रिप्लिकेशन यहाँ भी होगा। और दूसरी बात एक और कि आप अगर चाहें वेक्टर को तो एक रैंडम तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, दूसरा सिस्टमेटिक तरीके से भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक में ऑन प्लेन कर सकते हैं, इन स्पेस कर सकते हैं। आज वाले क्लास में सिर्फ ऑन प्लेन तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग इन स्पेस की बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंडम रिजोल्यूशन से। अगर आपको सपोज कीजिए कि एक वेक्टर कोई भी दे दिया गया, गिवन वेक्टर आपके पास R है, इस R वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस R वेक्टर को ही पिक्चर में ले लीजिए। ड्रॉ करने के समय ध्यान रहे ना उसका डायरेक्शन चेंज हो और ना ही लेंथ चेंज हो, नहीं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अब जब इसको ब्रेक करना चाहते हैं, आप बेसिकली डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ए वेक्टर मान लिया और दूसरा वेक्टर, दो ही कंपोनेंट हमको तोड़ना है, हमने ये कर लिया, दैट इज बी वेक्टर। ऐसे केस में हमारे पास अब जैसे ही कंपोनेंट ए और बी विजुलाइज होगा, आर का विजुलाइजेशन नहीं होगा, या तो आपको रिजल्टेंट दिखेगा नहीं तो कंपोनेंट दिखेगा। अब इसको चाहें तो आप अलग करके भी इस तरह से रख सकते हैं, बस रखने के समय ध्यान देंगे कि उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही डायरेक्शन चेंज हो। ओके, तो ये हो गया आपको बेसिकली कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स किसके हुए, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर हो गए। ओके, आप चाहते हैं कि नहीं इसको और ज़्यादा कंपोनेंट में तोड़ा जाए, जैसे अभी तक तो हम लोग सिर्फ दो में तोड़े थे। आपकी मनसा है, आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको तीन कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो उसके लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सबसे पहले आर को ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज, जैसा पहले कर रहे थे। ओके, बिना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए हुए ये आर वेक्टर आपका हो गया। अब आपको जो भी वेक्टर में तोड़ना हो, सपोज कर लीजिए कि आप एक वेक्टर ए वेक्टर में तोड़ रहे हैं, दूसरा वेक्टर आपने इसका बी वेक्टर ले लिया, और तीसरा वेक्टर आप सी वेक्टर में तोड़ना चाहते हैं, इस तरह से कर लीजिए। वंस अगेन ए बी सी जैसे ही अपीयर होगा, आर अपने आप डिजपियर हो जाएगा, क्योंकि जब कंपोनेंट दिखेगा तो रिजल्टेंट नहीं दिखेगा। और अब आप चाहें तो इसको अलग करके ए वेक्टर को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बी वेक्टर को चलिए ट्रायंगल लॉ दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है, आपको तो कंपोनेंट दिखाना है, तो कंपोनेंट आप इस तरह से जैसा है ए बी और सी ऐसे करके भी रख सकते हैं। एक बात और, लोगों के मन में शंका होता है कि रिजल्टेंट से उसका कंपोनेंट बड़ा कैसे होगा। तो यहाँ मान लीजिए कि वेक्टर में ये पॉसिबिलिटी है कि रिजल्टेंट से उसका कंपोनेंट बड़ा भी हो सकता है। ओके, रिजल्टेंट यहाँ जीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक फोर्थ वेक्टर भी होता और ये आकर के वापस यहीं पर मिल जाता, तो वैसे केस में ये तो सेम पॉइंट पे मिल गया और तब तो रिजल्टेंट इसका जीरो होता। ऑल्दो हमारे पास चार वेक्टर जो हैं वो मैग्नीट्यूड में भी हैं, डायरेक्शन में भी हैं, तो ये बात मन में नहीं रखनी है कि कंपोनेंट से रिजल्टेंट हमेशा बड़ा होगा, ये अदरवाइज भी हो सकता है। भी दो एक्सिस ले लीजिए, जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं एक्स और वाई को, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए। अब यहाँ पर एक वेक्टर फिर से आप अपने चॉइस का जो भी हो वो ले लीजिए, नाम आर देंगे क्योंकि ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके कंपोनेंट को तोड़ना है, तो कंपोनेंट को तोड़ने के लिए आप सबसे पहले एक काम करेंगे, इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पे, और इसी के हेड से एक वाई एक्सिस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अच्छा, अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद से आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, इधर से लेंथ इधर से ब्रेथ। ओके, तो इसको कभी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, वो आप मान लेंगे।
हमारे पास कोई एंगल मिल सकता है, अगर किसी को रेफरेंस मांगने तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस को रेफरेंस माना तो ये एंगल आप थीटा मान लीजिए। ओके, अब थीटा एंगल मानने के बाद देखिए, अगर हम यहाँ तक के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक्स का मैग्नीट्यूड है तो आर सफिक्स एक्स लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं यहाँ तक के मैग्नीट्यूड की, तो इसको हम आर वाई लिख लेते हैं क्योंकि वाई की तरफ का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड तो है ही हमारे साथ, डायरेक्शन दे देते हैं, और एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन देना है वो बेसिकली हम आई कैप देते हैं। ओके, अब इधर अगर आप देखें तो इधर इसको भी वेक्टर बना लें तो हम इसको आर वाई जे कैप लिख सकते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ये भी आपको आर वाई जे कैप के बराबर ही होगा। चलिए कोई नाम दे देते हैं इसको, ओ पी और एन। ओके, मैंने एक बार याद दिलाया था कि यहाँ जो भी होगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ही होगा, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप साफ देखिए कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर है। ओके, ओ पी वेक्टर क्या है, तो ओ पी वेक्टर आपके पास आर वेक्टर है, और ओ एन वेक्टर क्या है, तो ये आर एक्स आई कैफ है, और एन पी क्या है, आर वाई जे कैफ है। ओके, अब यहाँ पर हम दो चीज़ें और निकाल सकते हैं, दो चीज़ें और बोलने का मतलब क्या है कि हम चाहें तो यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ओ पी का लेंथ चाहिए तो लेंथ आपका यहाँ पर मिल जाएगा ओ एन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और एन पी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, यानी यहाँ पर आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर वाई का स्क्वायर। अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए बेसिकली एंगल बहुत ही फ्रूटफुल होता है, वो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बता देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है या किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वहाँ से आप देख लें तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ था वो आर वाई था, और बेस का जो लेंथ है वो आर एक्स है। चाहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स भी लिख सकते हैं। ये आपको, हाँ, यहाँ से एक और चीज़ आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो आर को इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए आर एक्स जो है आर आई का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इसीलिए आप इसको कोफिशियंट ऑफ आई कैप लिखिए का स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं कोफिशियंट, ओके, ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और डायरेक्शन में भी आप चाहें तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऊपर आपके पास कोफिशियंट ऑफ आई कैप बाय कोफिशियंट ऑफ जे कैप मिल जाएगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ी सी बात अब और भी करते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते तो हमारे पास राइट ट्रायंगल क्या मिलता, ओ पी एन, दो बातें वहाँ पर मिलती, एक आपको कॉस थीटा मिलता, कॉस थीटा ट्रायंगल से आप देख लें वो आर एक्स बाय आर आएगा, और आपके पास साइन थीटा अगर लेना होता तो ये आर वाई बाय आर आता। ओके, यहाँ से आप आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा भी लिख सकते थे, और यहाँ से आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा भी लिख सकते थे। ओके, एक बात अब फिर से आपके पास, अगर हम यहाँ पर आर कॉस थीटा को स्क्वायर करें और आर साइन थीटा को भी स्क्वायर करें, ओके, तो आर कॉस थीटा बेसिकली आपके पास आर एक्स है और आर साइन थीटा आर वाई है का स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट तो आपको वेल नोन है, वन होता है, इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया कितना, तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते तो रूट ओवर दैट। तो जो बात यहाँ है वही बात यहाँ भी आ गई। ओके, तो कोई चेंज नहीं है, आप कंपोनेंट तोड़ करके उसको
फिर से वापस जोड़ेंगे तो वापस मैग्नीट्यूड वही मिल जाएगा। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं किसको, आर वाई को, किस से, आर एक्स से, तो इधर तो आपके पास आर साइन थीटा हो गया और इधर आर कॉस थीटा हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स, वापस फिर वही आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, ये कंपोनेंट है किसका, आर वेक्टर का एलोंग एक्स एक्सिस। और इसी तरह से आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, ये भी कंपोनेंट है किसका, आर वेक्टर का एलोंग वाई एक्सिस। तो ये आप रेक्टेंगुलर वे में इसको रिजॉल्व करके देख सकते हैं, आपको मिल गया। अब आपकी एक और क्वेश्चन हो सकती है कि अगर ये एंगल इधर से नहीं दे करके यहाँ से क्वेश्चन एंगल दे दे, मतलब रेफरेंस यहाँ से हटा करके रेफरेंस यहाँ से रख दिया जाए, तो देखिए मैग्नीट्यूड में कोई फाइनल में चेंज नहीं होगा। हाँ, कंपोनेंट में थोड़ा चेंज होगा, आर एक्स और आर वाई चेंज हो जाएंगे। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप अगर यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, तो ये आर वाई बाय आर हो जाएगा और ये आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आर एक्स हो जाएगा तो ये आपके पास आर एक्स। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि एंगल जिधर है उधर कॉस का कंपोनेंट रह रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। ओके, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बदल के भी लिखते, यहाँ पर आर वाई लिखते, यहाँ आर एक्स लिखते, क्या फ़र्क पड़ता? ओके, फिर तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वही आ जाता। तो इससे आपको एंगल किधर से भी दे, नेट मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, वेक्टर वही रहेगा, डायरेक्शन भी उसका उसके तरफ से एंगल मिल सकता है। अगर ये थीटा मिल गया और आपको लगता है कि नहीं हमको एक्स के तरफ ही रेफरेंस रखना चाहिए था, तो भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, एक्स को रेफरेंस मान लीजिएगा तो ये 90 माइनस थीटा कर लीजिए, सपोज ये 30 आया है तो 60 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कर सकते हैं। थोड़े एक दो एग्जांपल्स के साथ इसको समझ लिया जाए तो और बेटर हो जाए हमारे लिए। यहाँ जैसे पहला एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, सपोज कर लीजिए कि आपको एक कोई फोर्स दिया है और उसका मैग्नीट्यूड कुछ 20 न्यूटन बोला, ये एंगल कुछ 30 डिग्री बोल दिया और आपको इसका कंपोनेंट तोड़ना है। ओके, तो कंपोनेंट तोड़ने में अगर आप इसको कंपोनेंट को तोड़ना चाहेंगे तो चलिए एक्स मान लेते हैं, इधर वाई, ये चॉइस ऑफ एक्सिस भी अपना ही है। अब एक्स की तरफ इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो चलिए इसको आर एक्स बोलेंगे, वाई की तरफ इसका आर वाई, चलिए फोर्स है तो एफ एक्स और एफ वाई मान लीजिए, ये एफ एक्स और ये हो गया आपका एफ वाई। तो अगर एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ है ना के साथ क्या होगा, मैंने बोला कि एंगल की तरफ का कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो उसके हिसाब से कॉस 30 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ 20 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2, मतलब 10 रूट 3 आ जाएगा। और अगर आप इधर कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं तो मैंने बोला कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमेशा आपको साइन होता है, तो उसके हिसाब से एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन, यहाँ पर ले लीजिए 30, साइन 30 1 बाई 2 होता है तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आप सपोज कर लीजिए कि इसमें सेम क्वेश्चन में एंगल आपको वाई से नहीं दे करके एक्स एक्सिस से दे दिया, ओरिजिनल से ना दे करके वर्टिकल से दे दिया, तब क्या होगा? जैसे ये सिचुएशन है यहाँ पर आपके पास और ये एंगल मान लीजिए कि 60 दे दिया। ओके, ऑब्वियस है कि एक तरफ से 30 होगा तो एक तरफ से 60 होगा ही। अब ये तो एक्स एक्सिस आपने मान लिया, एक वाई मान लिया। अब देखिए जिधर एंगल है उधर मैंने बोला कि कॉस, उसके परपेंडिकुलर में हमेशा साइन, तो इसके हिसाब से अब आपके पास एफ एक्स जो होगा वो एफ साइन 30 होगा, सॉरी 60 होगा, और यहाँ पर आपको 20 इंटू साइन 60 का वैल्यू है ना रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास 10 रूट 3,
फिर से वही आ गया। ओके, और अगर आप एफ वाई की बात करें तो आपके पास एफ कॉस 60, कॉस 60 कितना 1/2, तो 1/2 यानी 10 न्यूटन। तो एंगल के रेफरेंस से आपका कंपोनेंट और रिजल्टेंट में चेंज नहीं आने वाला, आप इस बात का ध्यान देंगे। और जब भी आप डिस्कस कर रहे हैं तो एक बात आप देख लेंगे कि एंगल किधर से दिया है। कई बार एंगल आपको वाई एक्सिस से देता है, आप एक्स से ले लेते हो, और इससे मुश्किल क्या बढ़ जाती है कि जो सही होने वाला है वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जनरली इंक्लाइन प्लेन पे हमको कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसा है कि हमारे पास एक प्लेन है ये इंक्लाइन वाला, और इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, इसका एम जी हमेशा ही वर्टिकल काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसका कंपोनेंट हमको अलोंग द प्लेन चाहिए और इसका परपेंडिकुलर इस तरफ का भी कंपोनेंट चाहिए, दोनों कंपोनेंट तोड़ना है। तो सबसे पहले एंगल की बात करेंगे। एंगल में बेसिकली एक रेफरेंस ले लेगा, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एंगल देगा, एज्यूम कीजिए कि थीटा है। ओके, अब देखिए एक बात, हमको ये एंगल अगर चाहिए, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे वो एक्स थीटा होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। तो फिलहाल ये एंगल, जैसे इसको आगे बढ़ाते तो 90 हो जाता, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल यहाँ से भी वही होता। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू फिर से 90, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ से 90 कट गया, एक्स इज इक्वल टू आपको थीटा आ गया, यानी यहाँ पर जो एंगल आप दिखा रहे हैं ये थीटा। अब देखिए कंपोनेंट तोड़ने में मैंने एक बात आपको बताई कि एंगल के अलोंग जब भी तोड़ना है तो कॉस थीटा, यानी यहाँ एम जी का एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इंक्लाइन प्लेन पे भी कंपोनेंट तोड़ने में दिक्कत नहीं हुई। हम 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ओके, एक इधर आपको 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, एंगल हम मान लीजिए कि यहाँ 30 की बात करते हैं, इधर से चलिए सपोज कर लीजिए कि ये एंगल 60 है। ओके, और अब आपको रिजल्टेंट निकालने की बात बोला जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट आप चूज कर लीजिए, जनरली हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं, एक्स वाई। अच्छा, ऐसा मेंशन करना भी सही है, लोगों को पता चल जाता है कि आपने किधर एक्स और किधर वाई ले लिया है। तब यूनिट वेक्टर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप पे कोई डाउट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स की तरफ का यूनिट वेक्टर, वाई की तरफ का यूनिट वेक्टर, जेड की तरफ का यूनिट वेक्टर, ये तो फिक्स है, और ये जो फिक्स है ये आपको मालूम है। तो सबसे पहले अगर हम नेट लिखना चाहें, ओके, तो यहाँ पर वेक्टर, चूँकि आपको क्वांटिटी ही वेक्टर है तो उसका एडिशन भी वेक्टर एडिशन होगा, एक ही साथ आपको F1, F2 और F3 का एडिशन करना होगा। अच्छा, वेक्टर एडिशन इस तरह से करने में या तो आपको ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा टेक्निक, तो रिजोल्यूशन वाला टेक्निक काफ़ी बढ़िया टेक्निक है। देखिए इसमें बढ़िया क्या है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो इस तरफ जो होगा 40 एंड कॉस 30, कॉस 30 √3/2, तो √3/2 टू से ये कट गया, तो इधर आपके पास 20√3 इसका एक कंपोनेंट हो गया। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो इस तरफ आपके पास आएगा 40 साइन 30, साइन 30 कितना 1/2, यानी 1/2 ये कैंसिल होकर के कितना हो गया 20 न्यूटन। एक बार आपने वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ लिए तो उस वेक्टर को भूल जाइए, वो वहाँ से गायब हो जाएगा, यानी अब आपको ये 40 न्यूटन नहीं दिखेगा। ओके, अब दूसरी बात 60 न्यूटन के लिए, तो 60 न्यूटन के लिए इस तरफ आप लिखेंगे 60 कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, ओके 30 न्यूटन हो गया। ओके, और दूसरा कंपोनेंट होगा इधर 60 साइन 60, तो साइन 60 आपको बेसिकली √3/2 होता है, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 30√3 आ जाएगा। एक बार इसका कंपोनेंट टूट गया तो ये भी आपको नहीं रहेगा, इसका भी सिग्निफिकेंस ख़त्म।
अब देखिए आपको सिंपल इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा और अब आपको सिर्फ ऐड करना है। ओके, तो चाहें तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक है 20√3 आई कैप एक्स की तरफ, इसलिए दूसरा है आपको -30। ओके, आई कैप दिख रहा है, ऊपर आप एक देख रहे हैं 20 जे कैप और प्लस एक 30√3 जे कैप, और नीचे देख रहे हैं आप 20 जे कैप नीचे, इसलिए माइनस ये आपने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद से आपके पास ये 20√3 -30। ओके, चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, आई कैप प्लस यहाँ पर 30√3 जे कैप, ये एफ नेट का वैल्यू हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो उसमें भी कोई बात नहीं, डायरेक्शन निकालें उसमें भी कोई बात नहीं। एफ नेट आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, ओके सॉल्व कर लेते तो और आसान हो जाता, प्लस कोफिशियंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, ये भी सॉल्व कर लीजिए, इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एंगल चाहिए कि रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा, तो कोई बात नहीं एक्स और वाई के बीच में कहीं होगा, तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ जे कैप, मतलब 30√3 बाय कोफिशियंट ऑफ आई कैप, मतलब 20√3 -30, इसको सॉल्व कर लीजिए आपको रिजल्ट आ जाएगा।